आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फसल के मौसम और बैसाखी के पर्व से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाएं करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। पीएम मोदी ने रविवार को एक ट्वीट में किसानों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का विवरण साझा करते हुए कहा व लिखा कि सशक्त किसान एवं समृद्ध राष्ट्र की कुंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को हमारे किसान भाइयों और बहनों पर गर्व है। देश में किसानों को और सशक्त बनाया जाए तो नया भारत और समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से संबंधित अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि देश में 11.3 करोड़ किसानों को योजनाओं से सीधे लाभ हुआ है, जिसमें 1.42 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6000 रुपए की वार्षिक मदद मिली है, जबकि 1.30 लाख करोड़ रुपए की राशि कोविड महामारी के दौरान हस्तांतरित की गई है। इसका लाभ विशेष रूप से छोटे किसानों तक पहुंचा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा फरवरी 2019 में पेश किए गए भारत सरकार के अंतरिम केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, जिसमें सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6000 रुपए तक मिलेंगे। इस बीच कृषि अवसंरचना कोष के तहत कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की गई है। इनमें 11,632 परियोजनाओं के लिए 8,585 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बताया कि 1.73 करोड़ किसानों ने ENAM प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है, जिसने 1.87 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।